भाजपा नेता दुर्गेश केसवाणी ने कहा, राम मंदिर शिलान्यास के 7 वर्षों के व्रत और संकल्प पूरे हो गए। इस अवसर पर सिंधी युवा संगठन एवं सांस्कृतिक मंच ने भगवान राम की आरती की और दिवाली जैसा जश्न मनाया। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवाणी ने कहा कि राम मंदिर शिलान्यास के 7 वर्षों का सपना पूरा हो गया है। लोगों के वर्षों के व्रत और संकल्प अपूर्ण हुए हैं। सिंधी युवा संगठन एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा ईदगाह हिल्स स्थित नानक टेकरी में धूमधाम से भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंच के सदस्यों ने फूल मिठाई भेंट कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश केसवाणी विशेष रूप से उपस्थित थे। अयोध्या में रामलला के दरबार में पहली ईट रखी, जो भूमि पूजन हर एक कार्यवक चाहता था। हर एक मन की भावना ये थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर में। आज निश्चित रूप से वह चीज फलीभूत हुई है। वह संघर्ष को एक विराम मिला है और उसी संघर्ष को जो एक प्रत्येक हर आदमी हर एक जन जन और आज जो ये आकाश में जो आवाज गुंजयमान हो रही है वो श्री राम जी की है, राम जी के जय जयकारों की है। तो हम लोगों को कंजूसी नहीं करनी चाहिए उन जय श्री राम के नारे लगाने में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।